नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा दिया गया कथित बयान कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। बीजेपी ने और ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बीजेपी ने साफ किया है कि जब तक नाना पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को मंत्रालय के करीब स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में विधायक राजहंस सिंह, राहुल नार्वेकर, बीजेपी के तमाम नेताओं ने अनशन किया। पूरे दिन नेता आते जाते रहे। अनशन के दौरान लोढ़ा ने कहा कि नाना पटोले का व्यवहार विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हो गया है। नाना बार बार प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले पंजाब और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को मारने की बातें खुले तौर पर की जा रही हैं। देर शाम को अनशन पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरीन लाइन पुलिस ने हिरासत में ले दिया। पुलिस ने सभी की जानकारी लेकर छोड़ दिया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी को जान से मारने की धमकी देने का दुस्साहस और किसी ने नहीं, यहाँ के सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। 36 घंटे के बीचने के बाद भी इस बेशरम सरकार ने न तो उनके खिलाफ एफआईआर की है, न उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे समय के अंदर पूरे भारत के अंदर एक नाराजगी की लहर है और आज मुंबई भाजपा के कार्यकर्ता महात्मा गांधी के पुतले के नीचे अनशन पर बैठे हैं और जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक मुंबई भाजपा का यह आंदोलन शुरू रहेगा। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।